हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात कर लेते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। बढ़ती आशंकाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के आर्थिक प्रदर्शन का बुधवार को जोरदार विचार किया, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजकोषीय स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। अब तक समस्या का कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा है। गत सोमवार को संसद में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर माह में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17% की गिरावट आई है। इसका अर्थ यह है कि हुआ कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में एक कर संग्रह की वृद्धि 7.4% से नीचे आ गई, जबकि पूरे वर्ष के दौरान इसकी 17% रहने का अनुमान लगाया गया था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कॉरपोरेशन कर दर में कटौती से इस संग्रह को किस हद तक प्रभावित किया है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर के मोर्चे पर भी प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार के राजस्व संग्रह में भारी कमी आ सकती है। ऐसे में यह भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी। व्यय को कम करना या उसे टालना भी एक विकल्प है, लेकिन इसका मध्यम अवधि में देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। इस बीच राज्यों की शिकायत है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने में देर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इसकी बकाया राशि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यदि जीएसटी राजस्व की वृद्धि 14% से कम रहती है तो केंद्र को राज्यों की क्षतिपूर्ति करनी होगी। इसका केंद्र की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर होगा। जीएसटी के मोर्चे पर हर्जाने की गारंटी के बावजूद राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब है, क्योंकि मंदी से उत्पाद और बिक्री कर संग्रह को भी प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप एक अनुमान के मुताबिक राज्य सरकारों की उधारी चालू वर्ष में 20% तक बढ़ सकती है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि राज्य का बढ़ा हुआ राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.6% की बजट अनुमान से अधिक हो जाए। साथ ही राज्य सरकार के व्यय की गुणवत्ता में हाल के वर्षों में गिरावट आई, क्योंकि राजस्व व्यय बढ़ा है। ऐसा आंशिक तौर पर कृषि ऋण माफ़ी जैसी लोक लुभावन योजनाओं के कारण हुआ है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति बताती है कि निकट भविष्य में इस रुझान में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले दबाव का असर व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि सरकार के पूंजीगत व्यय के 2/3 के लिए राज्य उत्तरदायी होते हैं। चालू वर्ष में राज्यों की पूंजीगत व्यय में भी काफ़ी गिरावट आने की बात देखी गई है। इसका असर निकट भविष्य में मांग और संभावित वृद्धि दोनों पर होगा। इतना ही नहीं, उच्च सरकारी ऋण भी कम ब्याज दरों के पारेषण को प्रभावित करेगा, बल्कि सरकारी घाटे में अहम वृद्धि मौद्रिक समायोजन की संभावना को भी वैसे भी सीमित करती है। चूंकि निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था के स्थायी रूप से उच्च वृद्धि दर के मार्ग पर लौटने की संभावना नहीं है, इसलिए सरकार को राजकोषीय स्थिति की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अगले कुछ सप्ताह में ऐसा किया जाना चाहिए, और इसमें विशेषज्ञ समूहों की सहायता ली जानी चाहिए। इससे न केवल सरकार की वित्तीय स्थिति का सही आकलन होगा, बल्कि नीति निर्माताओं को राजकोषीय खाका नए सिरे से खींचने का अवसर भी मिलेगा। सरकार को जीएसटी व्यवस्था के तमाम लंबित मसलों को हल करना चाहिए, ताकि कर संग्रह में सुधार हो सके। यह स्वीकार करना होगा कि व्यय को स्थगित रखने और जवाबदेहियों की सरकार को सरकारी उपक्रम पर टालने से समस्या हल नहीं होगी। इससे केवल भ्रम पैदा होगा और सरकार की
विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित और जो मंदी चल रही है उससे संबंधित आर्टिकल।